हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। भाई आज मेरे छोटे भाई के स्कूल में कुछ फंक्शन वगैरह है, वहाँ पे जाना है तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पे। पता नहीं कुछ असेंबली वगैरह बताया था, देखते हैं वहाँ जा कर क्या है। बोलिए भाई तो यार, भाई तो जा रखा बस में स्कूल में, उससे मिलते हैं फिर। To get this official badge and sash for the badge ceremony for this office that they have achieved after a great labor and competition that has been activity captain from girls. She will be encouraging all the students to be very active in house captain girls from Rowan House of Grade A. Both the Rowan House of Captains are on the stage getting their responsibility offices as in the form of sashes. Further, I would like to call Jerry. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। सर, मैं आरव के स्कूल से उसके सेक्शन इंचार्ज बात कर रही हूँ। यस मैम, बोलिए। सर, आरव का 3 दिन से साइंस का काम कंप्लीट नहीं है और तो और उसकी 1 वीक से डायरी पर साइन भी नहीं हो रहे। नहीं मैम, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आरव की मम्मी डेली उसका काम करवाती है। नहीं सर, मैंने कन्फर्म किया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। ओके मैम, इस चीज के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आगे से ऐसी शिकायत कभी नहीं आएगी। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, सुनती हो, इधर आना जरा। हाँ जी, कहिए। क्या बात है, तुमने 1 हफ्ते से आरव की डायरी साइन नहीं की और 3 दिन से तो साइंस का काम भी पेंडिंग चल रहा है। मुझे लगा आप कर रहे हो। मैं क्या क्या करूँ, मुझे ऑफिस का भी तो काम होता है। आपको तो सिर्फ ऑफिस का काम होता है, मुझे तो ऑफिस का और घर का दोनों का काम करना होता है। हाँ, तो बच्चे की तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। बच्चा सिर्फ मेरा है क्या, आपका नहीं है? हाँ, तो क्या करूँ मैं, बच्चे के लिए ऑफिस छोड़ दूँ क्या? हाँ, तो मैं भी क्या करूँ। हाँ गुप्ता जी, क्या हो गया, क्यों लड़ाई चल रही है? क्या करूँ मैं, तंग आ चुका हूँ। डेली डेली स्कूल से फोन आते हैं, कभी बच्चे का काम कम्प्लीट नहीं है, कभी बच्चे की डायरी साइन नहीं है। ना ये ध्यान दे सकती, ना मैं ध्यान दे सकता। अब आप ही हमें इस चीज का कोई हल बताओ। तो एक काम क्यों नहीं करते हैं, बच्चे की जिम्मेवारी आप स्कूल पे क्यों नहीं सौंप देते? स्कूल पे, स्कूल की जिम्मेवारी लेगा? आपको नहीं पता गुप्ता जी, आजकल आप जैसे माँ बाप के लिए स्कूल्स ने हॉस्टल खोल रखे हैं। तो आप बताइए शर्मा जी, कोई अच्छा सा हॉस्टल। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ पास ही स्कूल है जहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी भी है, आप अपने बच्चे का दाखिला हॉस्टल में करा सकते हैं। चलो ठीक है फिर, मैं भी कल की छुट्टी ले लेती हूँ और कल ही चलते हैं। हाँ हाँ, चलो ठीक है, कल ही चलते हैं। हॉस्टल में बच्चे को छोड़ने के कई कारण होते हैं, एक तो आपने देख लिया, चलिए अगला देखते हैं। अरे अब क्या कर दिया इसे कम मैंने। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। मैडम, मैं जिगर के स्कूल से बोल रहा हूँ, क्या आप उसकी मदर बोल रही हैं? हाँ जी, मैं जिगर की मदर बोल रही हूँ, क्या बात हुई? जी बात ऐसी है कि हम अब आपके बच्चे को 1 मिनट भी अपने स्कूल में नहीं रख सकते। अब क्या कर दिया जिगर ने? ना ही पूछो तो बेहतर है जी, आज तो इसने सारी हदें ही पार कर दी। आज प्रिंसिपल के बेटे को इतना मारा है कि अभी वो हॉस्पिटल में है। हाय राम, मैं तो तंग आ चुकी इस लड़के से।
अब आप अपने लाडले को अपने घर ही रखें। हम आपके बच्चे को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। मैं तो तंग आ चुकी इस लड़के से। रुक, अभी तेरे पापा को बताती हूँ। नहीं मम्मी, सॉरी मम्मी, सॉरी। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? क्या हुआ? बताया क्या कि आपके लाडले ने प्रिंसिपल के बेटे को पीट के आया है ये आज। क्या इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था? तूने मेरी इज्जत 2 मिनट में मिट्टी में मिला दी, मिट्टी में। ओह पापा, आपकी इज्जत तो हर बार मिट्टी में ही मिलती रहती है। अब जब अगली बार जमीन की खुदाई होगी ना, वहां से पानी के बजाय आपकी इज्जत निकलेगी, इज्जत। नालायक, बाप से जुबान लड़ाता है। क्या करे, इसका हाथ से निकल गया है लड़का। काम कर। Now farewell of hostlers. Get together after a few years. फंक्शन था, वहाँ से हम आ चुके हैं। भाई चेहरा की बड़ी बुरी हालत हो रही है, धूल मिट्टी से। मौसम भी आज बहुत ख़राब सा हो रहा है, ठंडा है वैसे, पर देखते हैं। सोच तो रहे थे कि स्विमिंग पूल में जाएंगे, देखते हैं बस शाम को मौसम ठीक रहा तो स्विमिंग पूल में भी जाएंगे। आपको अपना स्विमिंग पूल दिखाएंगे वहाँ पे। तो भाई आज का मौसम ख़राब हो रखा थोड़ा, तो आज स्विमिंग पूल में जाना था तो भाई वहाँ तो गए नहीं। अभी आपको दिखाएंगे वैसे स्विमिंग पूल, 1 नंबर का स्विमिंग पूल है, उसमें कैसे नहाओ फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। ये रहा मेरा छोटा भाई, आज सही खिंचाई होगी इसकी स्कूल में। कैसा रहा आज का दिन आपका? गलत करा हमें जाके, हैं जाना नहीं चाहिए था हमें। भाई आज इसकी फुल खिंचाई करवा दी। आप कुछ बोलना चाहेंगे मेरे छोटे भैया? नहीं भाई, तो शर्मा रहा है। वैसे वो तो बढ़िया रहे, पर जिस टाइम नहाने की सोची थी वह टाइम तो भाई इतनी धूल उड़ रही थी, और कुछ ये अभी भी दिख रही होगी या फिर अभी कैमरा में तो ना आ रही। ये तूड़ा वगैरह निकाल रहे हैं, दिख भी रहा होगा थोड़ा बहुत आपको, तो इसकी वजह से बहुत धूल हो रही है। तो जी ना करे, स्विमिंग पूल बिल्कुल ख़राब हो गया हमारा। दिखाऊंगा अभी तो यार, खेतों में थोड़ी सी सैर करने आ रखे हैं। ये मेरा भाई देख लो, सेंटर फ्रेश खा रहा है। तो भाई स्विमिंग पूल में पहुंच चुका हाँ। मेरे भाई ने कह है कि भाई नहाण को जी करे है, अब भाई नहावे क्या क्यों करे इसमें आज? जब तो मैं आज कैंसिल कर दिया भाई, आज नहीं नहाना। आज बहुत ज़्यादा डस्ट चल रही है, तो और कुछ मौसम भी बहुत ख़राब था, आंधी चल रही थी, तो फिर हमने आज कैंसिल कर दिया। वैसे आपको दिखा देता हूँ सीन क्या है, स्विमिंग पूल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी आ सकते हो। ले भाई ये अपना स्विमिंग पूल, कैसे बनाओ कैसे इसमें गोते मारो। हाँ भाई कैसे मज़े आ रहे, मेरे भाई ने तो पैर भी डबो लिया। ओ सही आ रहे मज़े, ये बकवास नहीं यार, मेरा भाई छेड़ बहुत ज़्यादा करता है। कूद मत जाइयो अभी इसमें, भाई कमेंट करना कैसा है स्विमिंग पूल। पर डस्ट है ना इसमें आज ज़्यादा है कुछ,
इसलिए हम नहीं नहाए यहाँ पे। और भाई नहाने की बात आई तो भाई नहाने के लिए कल या तो परसों प्लान बनाएंगे।